बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाओ, ठीक है। 24 की तैयारी हो चुकी है, बीजेपी आ रही है। अभी हम लोग संकल्प ले रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, हम संकल्प ले रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और जितना प्रयासरत होगा हर हिंदू करेगा। सेक्युलर का पंच हम कब लहराएगा? जब हम लोग हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करवाएंगे। हिंदू राष्ट्र में भारत माता के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ रहेंगे। कहीं गर्व से विश्व लेवल पे जाएगा कि एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे हर एक धर्म अच्छे से रह रहा है। ये बताते हैं आफ्ताब अमीन का क्लियर स्टेटमेंट आया ना, 21 लड़की का उसके साथ निकला था, ठीक है, उसमें से एक भी लड़की हिंदू नहीं थी। लव जिहाद है या नहीं? 36-35 टुकड़ा किसका होता है? हिंदू का होता है। बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाओ, ठीक है। 24 की तैयारी हो चुकी है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, हर कोई हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। सर ये इधर आ जाइए, हिंदू राष्ट्र की बात की, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। लव जिहाद, धर्मांतरण, 35-36 टुकड़ा बंद होगा, आतंकवादी हमला बंद होगा, एक एक राष्ट्र का हम लोग मांग करें तो आप लोग इतना खल क्यों रहा है, ये बताइए ना आप। आप सुनिए, आप लोग यहाँ माइनॉरिटी में आते हैं, मेजोरिटी में हो के आप लोग हिंदू को धकेल देते हैं, 57 देश तैयार कर लेते हैं, ईसाई का इतना सारा देश है, एक देश का हम लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं जो कि मेजोरिटी में हम लोग है, और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र किसी भी सच्चे मुस्लिम को आपत्ति नहीं है, तो आप लोग खल क्यों रहा है, क्यों चुल मचा हुआ है, बताइए क्यों नहीं मांग करें हिंदू राष्ट्र का? नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं एक भी आप, नहीं आप संविधान में मानते हैं? संविधान में तो लिखा ही नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र का मांग नहीं कर सकते हैं। सेक्युलर शब्द, सेक्युलर शब्द लिखा गया है, सेक्युलर इमरजेंसी में चढ़ाया गया, सेक्युलर है नहीं। सेक्युलर अफगानिस्तान में देखे 100 करोड़ हिंदू को बिना रोजगार ये सब छीन छान के भगा दिया गया, सेक्युलर का किरा हम लेके नहीं चलते हैं। भाईचारा ठीक है, भाई बन के रहो, चारा हम नहीं बनेंगे। क्लियर, हिंदू राष्ट्र बन के ऐसा क्या हो जाएगा जो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र, आप पहले ये बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र पहले भी था, अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, लेकिन घोषित करवाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, क्या होता है हिंदू राष्ट्र? क्या थोड़ा है हिंदू राष्ट्र, एक हम आपको क्या बोल रहे हैं, मेजोरिटी में हम लोग हैं, घोषित करवाना है कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, पूरा विश्व लेवल में एक जाना जाएगा कि भारत देश हिंदू राष्ट्र है, ये चाहिए। एक बात बताइए, संविधान से भी चलोगे ना कि अपने अपने तुम्हारे कहने से चल मैं यही बात पूछ रहा हूँ इंसान, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रह सकता है, क्या हिंदू राष्ट्र में सिख, तो अगर हिंदू राष्ट्र में रह सकता है तो हिंदू राष्ट्र ना बने, बने ना बने एक बराबर, ऐसे कैसे फर्क आ जाएगा हिंदू राष्ट्र बन के? हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या बोले, लव जिहाद, धर्मांतरण, 36-35 टुकड़ा खत्म हो जाएगा, संविधान नहीं खत्म करता है, बनने तो दीजिए, संविधान नहीं खत्म टुकड़ा कम नहीं करता, डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या फायदा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्या रोजगार मिल जाएगा हिंदू राष्ट्र बनके? सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट दही हंडी का, हो गया, सबरीमाला का हो गया, सबका फैसला सुनाया, ठीक है, और हिंदुत्व का परिभाषा क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। और जब जस्टिस जेडएस लोहत जो है 31 जुलाई 1986 में जब वो अपना स्टेटमेंट लेके गए कि कुरान के कुछ आयत के बारे में लेके गए कि ऐसे ऐसे इसको चेंज करना है, कुछ इसमें लिखा हुआ है गैर इस्लाम ऐसे कुछ करके, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है नो 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 ये सब नहीं लेना चाहता है, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते आप? राम मंदिर भी देने वाला सुप्रीम कोर्ट है, भरोसा का बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जब जनता आवाज उठाएगा तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक आवाज जाएगा और तब वो खोलेगा गेट, तब वो हम लोग का बात। सर फैक्ट देखता है, एविडेंस देखता है, वो जनता की आवाज नहीं सुनता, उनके पास जो फैक्ट आएगा। अभी हम लोग संकल्प ले रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, हम संकल्प ले रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और जितना प्रयासरत होगा हर हिंदू करेगा। अकेले कहने पे जोर लगा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, सब अकेले नहीं कर रहे भैया, कोर्ट ही बोल देगा। हम तो चाहते हैं हो जाए, अच्छी बात है, जब हर देश बन रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र भग जाएगा तो सबको भगा दोगे, तुम क्रिश्चियन को भगा दोगे, जब भगा दोगे बात मैं पूछ भैया, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सब धर्म यहाँ रहेगा। सर हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हो, क्या है परिभाषा? अभी क्या हुआ है, एक सेकंड, अभी हुआ क्या है, अभी जितने आपने अगर देखा होगा यूपी के कोर्ट की रिपोर्ट देखी है, यू आर द क्वालिफाइड, एक तथ्य पे भरोसा, एक सेकंड, क्या खाना मिल जाएगा? नहीं सर, पहले इनकी परिभाषा तो जाने, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? संकल्प ले रहे हैं भाई साहब, क्या परिभाषा क्या है हिंदू राष्ट्र की, क्या परिभाषा? देखिए हिंदू राष्ट्र आपको क्या बोले, 57 देश, उसके कितने सारे ना जाने कितने ईसाई, आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा नहीं ना। सेक्युलर का पंच हम कब लहराएगा? जब हम लोग हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करवाएंगे। हिंदू राष्ट्र में भारत माता के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ रहेंगे। कहीं गर्व से विश्व लेवल पे जाएगा कि एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे हर एक धर्म अच्छे से रह रहा है। पाकिस्तान में सर इससे क्या फायदा हो जाएगा जब ये बोल देंगे हिंदू राष्ट्र, और एक बोल देंगे कि भारत जिसमें सभी धर्म एक साथ रहते हैं, कोई नफरत भावना नहीं है, कोई धर्म का राष्ट्र नहीं है, क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? सर यही मैं पूछ रहा हूं, सनातन धर्म जो कि आप तुर्की में आप जाइएगा, कुर्दिस्तान में आप वहां जाइएगा, वहां पे आपको मिला है, वहां पे राम जी जो है वहां एक धनुष लिए, एक मनुष्य खड़ा
खड़ा है, उसके आगे जो है हनुमान जी टाइप में वानर खड़ा है, तो ये सब चीज़ जो पुराना अस्तित्व निकला है, कभी 50 इतना साल साल पुराना कभी कोई और निकला है कोई धर्म का, हमारे धर्म में निकला है। हमारे धर्म में क्लियर कहता है यति रामायणते रमनते, ठीक है, राम से पूरा ब्रह्मांड है, और जब ब्रह्मांड है तो राम के नाम पर अगर हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये तो सर आप मानते हैं ना सर, मुसलमान अलग मानते हैं, सिख अलग मानते हैं, क्रिश्चियन समर्थन कर रहे हैं, आपको हम सबूत दे दे, मुसलमान अगर कोई नहीं कर रहा समर्थन, जो अगर कोई नहीं करता वो भारत का नागरिक नहीं है, वही तो कह रहे, तब उस जगह कोर्ट है ना, अगर मान लीजिए माइनॉरिटी मेजोरिटी अगर देख के होगा तो संविधान देखता है, संविधान में तो सेकुलर वर्ड भी आया है, इक्वालिटी भी आया है, फर्टिनिटी भी आया है, सब आना सब आया, इक्वालिटी का मतलब क्या है, सभी धर्म इक्वल हो, ठीक है। आप बना पाकिस्तान कैसे बना, बांग्लादेश कैसे बना, पाकिस्तान इंडिया और जो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब हुआ, ये इंडिया से तो निकले हैं, इंडिया से निकले हैं, हाँ क्यों निकले हैं, धर्म के नाम पे ये लोग। सर एक बात बताइए, जब विभाजन हुआ कोई और कम्युनिटी है जो वहाँ अभी मस्जिद में बम गिराया गया किसी और से बाहर, क्या सर पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है, नहीं अफगानिस्तान में कोई और कम्युनिटी नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वो प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं ये बताइए अफगानिस्तान में कौन गया था, कोई और किसी कंट्री से गया था, इंडिया में जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं, यहाँ जो हमारे जम्मू कश्मीर में बम रखते हैं, हमारे मिलिटेंट्स को मारते हैं, हमारी फौज को मारते हैं लोग, यहाँ इंडिया में किस क्या होता है, पंडित को भगाने वाला क्या पाकिस्तान आया था, आप ही बताइए, पाकिस्तानी आया था कि भगाने वाला कौन था, उसके साथ जो कुछ लोग जो पड़ोसी था, अड़ोसी पड़ोसी जो खेलता था साथ में कित 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 कित, वही सब भगाने वाला था, तो हम क्या बोले, भाईचारा रहेगा लेकिन चारा हम नहीं बनेंगे, क्लियर बात है, भाई बनने के लिए रेडी है, रह रहे हैं, सनातन धर्म यही सिखाता है भाईचारा, कौन चारा बना रहा है, कब आप चारा बन गए सर, यही मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू कब चारा बना, सुनिए बताते हैं, आफ्ताब अमीन का क्लियर स्टेटमेंट आया ना, 21 लड़की का उसके साथ निकला था, ठीक है, उसमें से एक भी लड़की हिंदू नहीं थी, लव जिहाद है या नहीं, 36-35 टुकड़ा किसका होता है, हिंदू का होता है, आपको हम बता देते हैं, जितना भी अगर मान लीजिए यहाँ कटता मरता है या जो भी लव जिहाद हो धर्मांतरण हो, इतना सारा को भी ये क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो है लगता है ये एक इंसान ने किया है, इसमें आप रिलीजन को जोड़ रहे हैं, ये गलत नहीं है, नहीं नहीं हम आपको क्या बोले, अगर कौन है उसमें, ये जितने भी केस ऐसे आ रहे हैं कौन है, आप बता दीजिए हमें, जितने भी केस गर्ल्स को मारने के आ रहे हैं, लड़कियों को धर्म से चिन्हित कर रहे हैं, इंसान धर्म से चिन्हित नहीं कर रहे हैं, 90% केस ठीक है हिंदू भी है उसमें, लेकिन ज्यादातर आफ्ताब अमीन का क्लिप में भी आया है उसका, ज्यादातर यही लोग हैं, माउंटेन लोग क्यों कर रहे हैं, क्या सब मिलके कर रहे हैं, क्या आप हिंदू से चिन्हित कर रहे हैं, आप मुसलमान से चिन्हित कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है कि आप धर्म से चिन्हित करके इंसान को देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अगर हिंदू कोई रेप करता है तो ये नहीं बोलता है हम अभी मारे हैं तुमको 72 हुड़ मिलेगा, धर्म के नाम पे लड़ना बेकार है, धर्म के नाम पे नहीं करना चाहिए, जो कठुआ में कांड हुआ था और मंदिर में कर रहे थे कि जय श्री राम बोल के जो है रेप कर रहे थे, वो क्या था, हम आपको क्या बोले, हमारे धर्म का अगर कोई भी अगर व्यक्ति करता है, ठीक है, 35-36 टुकड़ा तो पहली बात कोई करता नहीं है, ठीक है, और जो करता है नहीं ये कभी नहीं बोलता है कि हमको जन्नत मिलने वाला है, गलत है सर, इनका ये बोलना है कि गलत है, इसमें रिलीजन रिलीजन आ रही है इसमें तो काफी गलत है, जहाँ हिंदू मुस्लिम का बात आता है ना, वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, अब्दुल कलाम, ऐसे मुस्लिम अगर है सच्चे मुस्लिम।